हरे कृष्णा राधे राधे। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से पकड़ा बांके बिहारी जी ने मेरा हाथ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग मुझे मैसेज कर पूछते हैं कि बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में हमारे गोस्वामी जी महाराज कौन है। तो भैया हमारे कौन है ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता, पर हम वहां पे सेवा में कार्यरत यशु भैया के हैं ये बात पक्की है। यशु भैया श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा में कार्यरत है, साथ ही निधि वन में भी सेवा करते हैं। बहुत ही शुद्ध और पवित्र आत्मा है, बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्त। सेवा जिम्मेदारी नहीं, प्रेम भाव से करते हैं, और सेवा में यही सबसे जरूरी होता है ना। किसी भी काम को जब हम काम समझ के करते हैं तो वो भारी लगता है, बट किसी भी काम को जब हम सेवा समझकर दिल से करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है ना। किसी की भी सेवा का कार्यकाल हो वो खुद हमेशा सेवा करने के लिए ललायत रहते, और हो भी क्यों ना, बिहारी जी महाराज की सेवा मिलती ही बड़े भाग्य से है। भैया जी जितने अच्छे भक्त हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। बिहारी जी महाराज के विषय में चर्चा करते हुए उनकी आंखों की चमक ही अलग होती है। अच्छा एक बात बताऊं, वो बहुत ही यंग और हीरो टाइप दिखने वाले हैं। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था ना बहुत समय पहले, तो ऐसा लगा कि भाई इतनी छोटी उम्र में बिहारी जी की सेवा कैसे। पर आज इतने सालों बाद भी जब भी उनसे मिलो तो बांके बिहारी जी से मिलने का तो आनंद ही अलग होता है, पर जब आप उनके दर्शनों से दूर हटकर भैया के सानिध्य में जाते हो ना तब भी आपको लगता है कि अभी भी आप बिहारी जी महाराज की छत्र छाया में ही बैठे हो। ऐसा उनका भाव है, ऐसा उनके चारों तरफ का ऑरा है, मतलब उनसे बात करना और ऐसा लगता है वहीं बैठे रहो है ना। और मतलब उनकी भक्ति, उनका भाव और बिहारी जी के प्रति प्रेम सच्ची मन को बड़ा बड़ा ही आनंदित करता है। वो कहते हैं ना संत जनों का संग करना चाहिए, कलयुग से दूर होंगे और भक्ति बढ़ेगी। पर हमारे भैया जी श्री बिहारी जी महाराज के ऐसे कृपा पात्र हैं कि उनके साथ कुछ समय बैठ जाओ तो मन में भक्ति अपने आप ही फिलोरे खाने लगती है। भक्ति सेवा करने की बड़ी ही अधिक प्रेरणा मिलती है। श्री बांके बिहारी जी महाराज का उन्हें साक्षात अनुभव हुआ है, पर वो कहते हैं कि कर्म ऐसे करो जो एक हाथ से हो और दूसरे को पता भी ना चले। उन्होंने अनगिनत बार श्री बिहारी जी महाराज की कृपा पाई है। अभी पीछे भैया को बुखार हुआ था, दवाइयों से वो हमेशा दूर रहते, पर मंदिर में सेवा थी इसलिए सबके कहने पे दवाई ले आए, सिर्फ एक खुराक ली और सब कुछ बिहारी जी महाराज को समर्पित कर दिया। इतना तेज बुखार, शरीर इतना कमजोर कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे, पर बिहारी जी महाराज की सेवा करके उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पूरी ताकत उनके अंदर थी, पूरा जोश पूरा उत्साह। वो अपने मुखमंडल से कहते हैं मेरी एक दवा श्री बिहारी जी महाराज का चरणामृत, उसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा उनके जीवन में चमत्कार भी बहुत हुए हैं, अब एक वीडियो के अंदर उन सारी बातों को समेटना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको उनके एक यजमान के जीवन की घटना बताती हूं। ये घटना अधिक पुरानी नहीं है, लास्ट ईयर 2021 की ही है। वीना जी जो दिल्ली से है वो श्री बिहारी जी महाराज की अनन्य भक्त हैं और भैया जी के जजमान हैं। उनके हस्बैंड को ब्रेन हैमरेज हो गया था, उनके हस्बैंड का ऑपरेशन होना था। वीना जी ने गोस्वामी जी महाराज को फोन किया और कहा भैया जी बिहारी जी महाराज के चरणों में मेरे हस्बैंड के लिए जोत जगा देना, अब सिर्फ बिहारी जी महाराज की कृपा ही कुछ भला कर सकती है। अब हमारे भैया जी ने अपनी बातों से उन्हें सद्भावना दी, उन्हें बिहारी जी महाराज पर विश्वास करने को कहा, है ना। उसी दिन शाम को 4:30 बजे ऑपरेशन शुरू होना था। वीना जी ने 4:30 बजे फोन किया और बोला भैया जी बिहारी जी महाराज को प्रार्थना करके मेरे हस्बैंड के नाम का एक दीवा बिहारी जी के चरणों में रख दो
और प्रार्थना कर दो आप। अब भैया जी ने बिहारी जी महाराज को प्रार्थना करके वीना जी के हस्बैंड के नाम का दीवा जगाकर बिहारी जी के गर्भगृह में प्रज्वलित कर दिया। अब इसके बाद वो जो सेवा कार्य थे उसमें वो लग गए। करीब 6:30 बजे की करीब वीना जी का दोबारा फोन आया और उन्होंने कहा कि भैया हस्बैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। भैया ने उनको थोड़ा सतावना दिया और तुरंत ही भाग के गर्भगृह में गए तो देखा वो जो दीपक था वो टिमटिमा रहा था और ऑलमोस्ट बुझने को था, उसका घी भी खत्म हो चुका था। भैया इधर उधर देख रहे थे, घी का डब्बा ढूंढ रहे थे, है ना। फिर भैया को अचानक से अंदर से जाने क्या सूझा, उन्होंने तुरंत ही बिहारी जी महाराज के गर्भगृह में चांदी के बड़े बड़े दीप प्रज्वलित होते हैं तो उन्होंने तुरंत ही जो गर्भगृह में चांदी के प्रज्वलित दीप थे उनमें से घी लेकर जो वो दीपक था उसके अंदर डाल दिया और दिल से कहा बिहारी जी सब ठीक करो एकदम। मतलब घी डालते ही जो दीपक की लौ थी वो एकदम ही तेज हो गई, जो बत्ती नीचे बिल्कुल बैठ चुकी थी ना अब वो बहुत बढ़िया तरीके से जल रही थी। भैया को दीपक बहुत अलग लग रहा था, इतनी छोटी बत्ती से इतनी ऊंची लौ उन्हें बहुत आश्चर्य दे रही थी। 10 मिनट के बाद ही भैया के पास वीना जी का कॉल आया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब कोई खतरा नहीं है। वीना जी कह रही थी कि डॉक्टर भी हैरान थे, जहां उम्मीद ही नहीं थी वह अचानक ही सब ठीक हो गया। नस से जो ब्लड सप्लाई दिमाग में नहीं हो रही थी वो अचानक ही अच्छे से होने लगी, ब्लॉकेज पूरी तरह खुल गई थी। भैया जी भी सुनकर बिहारी जी महाराज की कृपा पर बलिहारी जा रहे थे। श्री बिहारी जी महाराज ने अपनी जोत से उनके जीवन की जोत प्रज्वलित कर दी थी, है ना, यही हुआ था। और देख लो आज का दिन है, वीना जी और उनके पति स्वयं चलकर बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए आते। कहा तो वो समय था जब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और कहा आज का समय जब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। और वो खुद कहते हैं कि जैसी मेरी हालत थी मुझे नहीं लग रहा था कि कभी भी मैं बिस्तर से उठ भी पाऊंगा। आप खुद देख लो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। और याद कर लो जहां साइंस काम नहीं आता वहां हमारे बिहारी जी का मैजिक चलता है, क्यों सही कह रही हूं। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़े ही दयालु हैं बांके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर श्री बिहारी जी महाराज की भक्त पर कृपा, उनके चमत्कार और प्रेम की सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का विश्वास भी हमारे बिहारी जी महाराज पर, उन भक्ति पर, प्रेम पर बढ़ सके। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।